ये वीडियो है कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा और क्यों कहा। हम सब ने सुना है कृष्ण ने अर्जुन को ढेर सारी गीता में ढेर सारी बातें बताई, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अंडर द स्किन जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा खुदाई करके, थोड़ी सी मतलब क्यों ऐसी बातें कही। आज की डेट में अगर ऐसी बातें कृष्ण आकर के हमसे कहेंगे तो हम उनको पागल समझेंगे। सही में देखिए, कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि सारे कर्मों को इस तरह से करो कि वो मुझे डेडिकेटेड हो। किसको? मुझे क्या हो? डेडिकेटेड हो। ये डेडिकेटेड क्या बला है? जब हम कहते हैं कि कोई भी काम ऐसा करो कि ईश्वर को डेडिकेटेड हो या किसी को डेडिकेटेड हो, तो ये डेडिकेटेड क्या चीज़ है? क्यों कृष्ण लड़ाई के समय, जिस समय वो बेचारा परेशान है, वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए सबसे मारपीट करने वाला है, खून खराबा करने वाला है, उसको बोले डेडिकेशन करो? ये तो ऐसे ही हो गया, कोई आदमी जा रहा है अपनी जान बचाने के लिए और तुम उसको बोले जाओ मंदिर में घंटी बजाओ। डेडिकेशन क्या है? जब तक इस क्वेश्चन को लेकर के कि डेडिकेशन क्या है और कोई भी चीज़ को हम डेडिकेट क्यों करें, इस क्वेश्चन को लेकर के आप कम से कम 1 महीने तक अपने पास नहीं रखेंगे, तब तक आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा। कहानियाँ हैं पुराने ज़माने में कि अलादीन का चिराग होता था, आप उसको अपने पास रखिए और जब भी कुछ चाहिए आपको उसको रगड़ दीजिए और उसमें से एक जीनी आता है और आपकी इच्छाएं पूरी कर देता है। क्यों? ऐसी कहानी इसलिए बताई गई ताकि आप उस चिराग को अपने पास रखें। ये वही चिराग है। जब मैं आपसे कहता हूँ डेडिकेशन को पकड़ करके अपने पास रखिए, अपने आप से पूछिए, बिकॉज मुझे ये क्वेश्चन कब आया था? जब मेरे कृष्ण ने मुझसे ये बात कही थी। मेरे कृष्ण कौन? डॉक्टर पीजे सहर, वो मेरे टीचर है, मेरे मास्टर है। मैं उनसे मिला नहीं हूँ कभी, बट उन्होंने थ्रू जेनयोगा मुझे बताई कि जेनयोगा जो लिखी गई है वो डेडिकेटेड है। पता है किसको? आपको मालूम है जेनयोगा किसको डेडिकेट की है गई? बहुत ही अजीब आदमी है। जब मैंने पहली बार पढ़ा मेरा माथा घूम गया और मैं बहुत क्यूरियस हो गया उस किताब को पढ़ने के लिए। ऐसी कोई किताब आज तक किसी ने डेडिकेट ही नहीं किसी को। किसको की? फ्यूचर के अवतार को। आज से भविष्य में 100, 200, 500 या 1000 साल बाद पता नहीं कब कौन सा एक मास्टर आने वाला है, अवतार आने वाला है, जैसे कृष्ण अवतार थे, राम अवतार थे, बुद्ध अवतार थे, ऐसे कोई अवतार आने वाला है और उसको डेडिकेट करके लिखी गई है जैन योगा। मुझे लगा क्या सच में? और मुझे लगा कि जब ऐसे आदमी किसको डेडिकेट करता है अपनी चीज़ें, अपने बच्चों को, अपने परिवार को या किसी और को, बट ये लिखी गई किताब किसके लिए? फ्यूचर के अवतार। उसके बाद मैंने अपने आप से सोचा, अपने आप से पूछा, आशीष भाई, जब मैंने पूरी किताब पढ़ ली थी, काफ़ी साल पहले की बात है, मैं कोई ऐसे काम कर रहा हूँ जो किसी के लिए डेडिकेटेड हो? अपने आप से अगर आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आप या कोई और आदमी किसके लिए डेडिकेटेड है, तो कैसे मालूम पड़ेगा? डेडिकेशन को समझने के लिए आपको कर्मों को समझना पड़ेगा, एक्शंस को समझना पड़ेगा। एक्शंस बड़े ट्रिकी और बड़े खतरनाक होते हैं। मेरे जान पहचान में 2 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्शंस को समझाने के लिए। अगर मेरी लाइफ में उन लोग नहीं होते तो मैं उस खतरे को पहचानता नहीं। आज से काफ़ी साल पहले, ऑलमोस्ट 8-10 साल पहले, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में मैं रहता था, तो एक आदमी था, गुंडा था। हम लोगों ने वहाँ स्कूल खुला था छोटा सा, तो आकर के उसने मुझसे पैसे मांगे थे, हफ्ता मांगा था। पता ही नहीं था कि गुंडे क्या होते हैं। हम लोग को आज भी किसी गुंडे से हमारा सरोकार नहीं है। उसने कहा डॉक्टर साहब अगर नहीं दोगे तो आप समझ लो, ऐसा उसने धमकी देकर चला गया। बाद में जब मैं घर आ रहा था रात को, उसने मुझे पकड़ के मारा, खूब मारा। 3 लोग आए थे, एक बाइक पर वो था और 2 लोग बच्चे और थे। मैं NTPC में रहता था उसमें, दादरी के पास, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स के। भाई मार रहा है, नीचे गिर जाओ और बेहोश दिखा दो कि मर गए हो। उसे 3-4 मारा वारा, यहाँ फूट उट गया था, इधर उधर खून निकल रहा था। मेरे को मालूम पड़ गया कि बॉस लड़ाई तो कर नहीं सकते, कम से कम पड़ जाओ, वहीं मैं मर गया, पड़ गया। उसके बाद वो चला गया और फिर जब वो गया, मैं अपना बाइक वाइक उठाया, घर गया, मेरे पास एक टेप रिकॉर्डर था, वो भी टूट टाट गया, फिर वापस आया। कहानी सच है। अगर ये कहानी मेरे साथ नहीं हुई होती तो मैं आपको नहीं बता सकता था कि ऐसा चीज़ें हो सकती हैं। आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा कभी। मैं पुलिस थाने गया, मैंने FIR करने की कोशिश की, उन्होंने बोला कि यार ऐसे ही कागज़ पर लिख के दे दो। FIR नहीं लिखा उन्होंने। फिर से 2 दिन बाद फिर से वो गुंडा हमारे स्कूल में गया और जितने टीचर्स थे उनको धमकी उमकी दी कि पैसा मुझे चाहिए। और फिर हम परेशान, फिर हमने खोजा खाजा, एक हमारे अंकल थे, वो महाजन अंकल नहीं, IAS ऑफिसर, उनको हमने फ़ोन किया कि कुछ करिए अंकल जी, वो बहुत परेशान करा है। तो उन्होंने फिर नोएडा के SP को फ़ोन किया, फिर SP ने यहाँ पर थाने इंचार्ज को फ़ोन किया, फिर थाने इंचार्ज ने जाकर उसको डांटा डपटा। और फिर वो पुलिस वाले मेरे घर पर आए, बोले डॉक्टर साहब आपने तो ऊपर फ़ोन करा दिया। मैंने कहा हम तो खुद ही, हम तो नीचे के लोग हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमने तो अपनी जान बचाने की कोशिश की है। एनीवेज, मुझे लगता है उसने पहले से ही पुलिस वालों को कुछ पैसे से दिए होंगे इसलिए। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, चूंकि SP के पास बात चली गई थी, DIG के पास बात चली गई थी, तो उसके ऊपर प्रॉपर FIR हुआ और उसको पकड़ने के लिए पुलिस शुरू हो गई काम करना। मुझे याद है ऑलमोस्ट 1 हफ्ते या 10 दिन तक के लिए एक गनमैन मुझे दे दिया गया था, जो मेरे साथ बाइक पर बैठकर जाता था और आता था। उन्होंने कहा कि साहब ने कहा है आपके साथ घूमेगा। मुझे बड़ा अजीब लगता था गनमैन, फिर उसको बना बना कर चाय देना पड़ता था, मुझे खाना खाता था, मुझे खाना देना पड़ता। मैंने कहा देखा भैया आप जाओ, मुझे भी जरूरत नहीं है सेफ्टी की। बोलते रात को मत घुमा करो डॉक्टर साहब। मैंने कहा आप जो जो कहेंगे वो सब करूँगा, जाओ आप झंझट खत्म करो।
लेकिन एक बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात जो मैं बताना चाहता हूँ, बड़ी ताज्जुब की चीज़ है, उस बंदे को पकड़ने के लिए पता है पुलिस ने क्या किया? पुलिस की मजबूरी भी है, पुलिस ने उसके बड़े भाई को, उसके पिताजी को पकड़कर जेल में डाल दिया। हमारे कर्म भी ऐसे ही होते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम गए किसी को सीटी बजा दिया, हम गए किसी के साथ बात कर ली, हमने कहीं से कुछ ले लिया किसी से, हमने किसी को कुछ कर दिया, हमने कुछ पढ़ लिया, हमने कुछ बोल दिया, हमने कुछ नहीं बोला, हमने कुछ नहीं पढ़ा, जैसे आजकल हम गीता पढ़ रहे हैं तो हमने नहीं पढ़ा। इन सारे कर्मों का रिपल इफेक्ट आता है। उन माँ बाप ने, उस बड़े भाई ने, उस पिता ने क्या किया होगा ऐसे गुंडे को अपने साथ रखने के लिए, अपने घर में पैदा करने के लिए? वो तो पैदा तो हो गया एक्सीडेंटली, उसने तो मारपीट की, इसने क्या किया? बाद में जब सब सॉल्व हो गया, उसके बाद मेरे पास आया, उसने सॉरी वोरी बोलने आया था। मैंने कहा यार मैं भी सॉरी हूँ, तुमको भी मेरी वजह से बहुत मार पड़ी। बोलते हैं बदला तो तुमने खूब लिया डॉक्टर साहब। बट मैं मन ही मन सोच रहा था इसको तो उसके किए की शायद सज़ा मिली हो, लेकिन उसके माँ बाप को किस लिए सज़ा मिली? उनके साथ रहने की। हमारे कर्म ऐसे होते हैं। जो भी आप कर्म करते हैं, अगर आप डेडिकेशन नहीं जानते तो आपका कर्म क्या है, ऐसे ही एक लावारिस एक्शन जिसका पता नहीं क्या रिजल्ट होगा। मुझे किस कर्म की सज़ा मिली मुझे मालूम पड़ गया था। मुझे याद है उसके 2 हफ्ते पहले जब वो गुंडा मुझे मार रहा था तो एक खास सेंटेंस बोला था उसने, और वो मेरी इग्नोरेंस थी। मैं बताऊंगा, हमारे स्कूल में लड़कियां आती थी पढ़ने के लिए। पहली बार हमने गांव में लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। और जवान लड़कियों को क्यों पढ़ा रहे हो डॉक्टर साहब? एक तो इसका रोष था, दूसरा एक और घटना हुई थी। उन्हीं एक लड़कियों में से एक लड़की थी जो दुकान में गई थी एबॉर्शन की दवाई खरीदने के लिए, और वो जब दवाई लेकर गई तो इसको ये समझ में आया कि इन्हीं टीचरों ने उस लड़की के साथ सेक्स किया है। तो एक तरफ पैसा मांगने का, दूसरी तरफ, और बाद में जब हमने पूछा उस लड़की से कि क्या तुमने वो खरीदा था, बोलती हाँ मेरी माँ ने कहा था दवाई लेकर आओ। ये प्रॉपर खुलासा। तो ये सब क्या था? ये कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ लिंक होता है, आप नहीं जानते, लेकिन जब आप खोजेंगे तो मालूम पड़ेगा आपको क्या लिंक था। ये तो ठीक है, इतना दूर दूर का रिश्ता नाता जोड़ रहे हैं। एक तो ऐसे, एक हमारे घर में नहीं, हर किसी के घर में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप बहुत परेशान। हमारे घर में एक बच्चा है जो शराब पी करके रात को पहुंचेगा घर में, बच्चा नहीं है इनफैक्ट, उसकी उम्र होगी करीब 30 या 35 साल होगी। उसके माँ बाप परेशान, उसकी शादी नहीं हो रही है, उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पिताजी के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उनकी उम्र होगी करीब 65 या 60 साल। मैं और एमपी अभी भी बात करते हैं कि उनकी अंकल की क्या हालत है बताओ। हर रोज रात को आएगा, माँ बाप के साथ लड़ाई करेगा, अभी तो लड़ाई करता है, बाद में शायद मारपीट भी शुरू कर दे, क्योंकि वो ताकतवर है और माँ बाप कमज़ोर है, और शराब पीने के बाद क्या पता चलता है। मैं आपको लेकिन बताना क्या चाहता हूँ, आपके एक्शंस जिसको आप इसलिए करते हो कि मुझे नाम मिल जाए, मुझे शोहरत मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, लेकिन वो एक्शंस खाली नाम शोहरत और पैसा नहीं देते, उसके साथ कुछ और देते हैं, और वो कुछ और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर आप उस चीज़ को कॉन्शियसली नहीं करते हैं। तो डेडिकेशन शब्द तो आपने कभी कुछ किया ही नहीं होगा, इसलिए आप जानते नहीं डेडिकेशन क्या है। बट आप एक बच्चे को देखिए, वो किस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है? वो खिलौने के लिए, बेसिकली 5 सेंसेस के लिए। एक जानवर को देखिए या एक बच्चे को देखिए, तो अपने खाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए और अपने मौज मस्ती के लिए, यही तो है बच्चे। शीश हमारा फ़ोन लेते हैं तो उसमें कार्टून देखते हैं, या कोई खिलौना खोजते रहते हैं कौन सा खिलौना खरीदें, या कोई मिठाई या चॉकलेट खरीदने के लिए, चिप्स खरीदने के लिए, यही उनका डेडिकेशन है। एक टीनेज बच्चा किस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है भाई? उसको मौज मस्ती करनी होती है, फेसबुक वगैरह। एक एडल्ट जो इंसान है, जैसे आपके माता पिता या मैं, किस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है? ये जब तक आप अपने आप से सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं अपने सारे एक्शंस को मेरी तरफ डेडिकेट करो। एक बच्चा डेडिकेटेड है सेंसेस के प्रति, सर्वाइवल के प्रति, एक टीनेज डेडिकेटेड है सेक्स के प्रति, टीनेज मौज मस्ती के प्रति, एक एडल्ट अगर फैमिली वाले हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो अपने बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं ताकि बच्चे को पढ़ा लिखा सकें, उसको अच्छी सुविधा दे सकें और अपना खुशी से ज़िंदगी बिता सके। ये सारा का सारा डेडिकेशन लगता तो बहुत जेन्युइन है और अच्छा है, बट ये इनफ नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि ये इनफ नहीं है अर्जुन, अगर तुम केवल इसलिए लड़ाई कर रहे हो कि तुम्हें नाम चाहिए, पैसा चाहिए, तो इनफ नहीं है। कह रहे हैं और भी अच्छे डेडिकेशन हो सकते हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ को डेडिकेट करते हैं सोशल वर्क करने के लिए, बहुत से लोग हैं अच्छा काम करते हैं, गरीबों को कंबल बांट आते हैं, ब्लड डोनेशन दे देते हैं, इससे भी कृष्ण का मन भरता नहीं है। क्योंकि कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कह रहे हैं कि जाकर के सोशल वर्क करो, वो भी इनफ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, लोगों को देखिए वो कहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, कहाँ पर अपना पैसा स्पेंड करते हैं, वही उनका डेडिकेशन है। कुछ लोग हैं जो अपने स्किल के ऊपर डेडिकेटेड हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी पूरी की पूरी जिंदगी ही डेडिकेटेड है उस स्किल के लिए या उस बिजनेस के लिए या उस एंडेवर के लिए, लेकिन वो भी कृष्ण के हिसाब से इनफ नहीं है। क्या चाहिए बच्चे से जान लोगे कृष्ण? डेडिकेशन ऐसा लग रहा है जैसे कि टैक्स हमारे ऊपर सर पे लगा रखा है भगवान ने, कि मेरे ऊपर टैक्स, मुझे मेरे ऊपर डेडिकेट करो सब चीज़, नहीं तो मैं तुमको
मौज मस्ती ले लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। डेडिकेशन को समझिए इलाज की तरह। बीमार आदमी को दवाई चाहिए, जब तक वो सही दवाई नहीं खाएगा तब तक ठीक नहीं हो पाएगा। आप मत करिए डेडिकेट, गॉड को मत करिए, लाइफ को मत करिए, ईश्वर को मत करिए, अपने काम अपने हिसाब से करिए, लेकिन अपने आप में वो क्या है, डिजीज है। ये जो बंदा था जिसने मारने की कोशिश की, मैंने बाद में पता चला कि उसने एक दो मर्डर भी किए हैं और बाद में उसको जेल हुई थी, पता नहीं क्या हुआ था, बट ये सारा का सारा जो लाइफ है हमारा वो डिजीज है। अगर आप अपने लाइफ को किसी एक ऐसी एंटिटी को डेडिकेट नहीं करते हैं, मेरे हिसाब से वो जिनयोगा है, कृष्ण के हिसाब से वो कृष्ण है। अगर ऐसी एंटिटी आप खोज करके उसको डेडिकेट नहीं करते हैं तो यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ अ सिक मैन और डिजीज्ड मैन। उसका सिम्टम बाद में आएगा, आपको दुख के फॉर्म में आएगा, बीमारी के फॉर्म में आएगा और अल्टीमेटली डेथ के फॉर्म में आएगा। जब तक आप कृष्ण कह रहे थे, यही तो कह रहे थे, अगर सब चीज मेरे प्रति डेडिकेट करोगे तो मैं डेथ छू नहीं पाएगी, अदरवाइज मैं तुम्हारा कुछ हेल्प नहीं कर सकता। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को, एक रियल स्टोरी। इसके पात्र थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप इसको इमेजिन करें। आज ही हुई, मेरे साथ हुई। मैं जब सेंटर पे काम करता रहता हूँ तो मैं बीच में अगर आधे घंटे टाइम मिला है, पेशेंट नहीं है, तो मैं पढ़ता रहता हूँ। और खासतौर से आजकल हम लोग की भगवद गीता की पढ़ाई चल रही है, तो मैं जो सूत्रास पढ़ने के लिए आज तैयारी कर रहा था उसमें करीब 15 पेज या 20 पेज थे, उसको प्रिंट आउट निकालना था। तो मैं क्या करता हूँ, अपने ईमेल दे देता हूँ अपने टाइपिस्ट को, ईमेल में से प्रिंट आउट दे देता हूँ उसको, प्रिंट आउट निकालता है, प्रिंट आउट निकाल के वो मुझे दे देता है। आज क्या हुआ, उसने प्रिंट आउट निकाला और ये जो प्रिंट आउट्स निकलते हैं उनके पेज नंबर नहीं होते। वेबसाइट से आप निकालते हैं ढेर सारे आर्टिकल्स, उसको प्रिंट कर लेते हैं 20-25 पेज, तो उसको अगर आपको पेज नंबर डालना हो तो आपको वर्ड फाइल पर डाल के उसके ऊपर पेज डाल के, तब मैं सब कहानी इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, डेडिकेशन नहीं है इसलिए। एक हमारे यहाँ बच्ची काम करती है, शुभी नाम है, वो अटेंडेंट है, अल्ट्रासाउंड की टेक्नीशियन है। उसने किया प्रिंट आउट, इसने उठाकर मेरे टेबल पर रख दिया, एक रख दिया, फिर दूसरा रख दिया, फिर तीसरा रख दिया, ऐसे करते करते 25 पेज रख दिए। मैंने आर्टिकल्स थे उसमें ढेर सारे, अब उस पेज को आगे पीछे कहाँ रखे। मैंने कहा शुभी तूने किया क्या। सर मतलब, मैंने पेज वहाँ से पेज आपको दे दिया। मैंने कहा लेकिन इस पेज का पर्पज़ क्या है, इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, तुझे प्रॉपरली देखना चाहिए। एक एक जैसे प्रिंट आउट निकला था एक के ऊपर एक करके उसको स्टेपल करके मुझे देती। सर गलती हो गई सर। अच्छा, तब तक पेशेंट आ गया, तो गई पेशेंट को निपटाने के लिए। अब उसका डेडिकेशन तो अपनी नौकरी है, अपना पेशेंट है, मेरा डेडिकेशन क्या है, अपना आर्टिकल जो मुझे पढ़ना है। हमारी ज़िंदगी में हमारी जो कहानी है, जो हम हैं, हम इस कागज़ के टुकड़े की तरह है जो प्रिंट आउट निकला था। हम उम्मीद करते हैं कि जो देवी देवता है वो हमारी बड़ी देखभाल करें, हमने घंटी बजा दिया था इसलिए हमको भगवान, लेकिन वो भगवान बेचारे बिजी हैं, पेशेंट आ गया भगवान का वहाँ पर, उसको अपनी नौकरी करनी है, टाइपिस्ट को अपनी नौकरी करनी है। यहाँ पर मैं देवी देवता बन के इस अखबार पेपर को बैठ के इंतजार भी कर रहा हूँ लेकिन भाग गई। उसकी कोई गलती नहीं है, आप समझिएगा। अगर आप डेडिकेटेड नहीं है, लोग डेडिकेटेड नहीं है, तो किसी की गलती नहीं है, बट सबसे बड़ा पाप है इग्नोरेंस, कोई चीज़ न जानना। अगर आप लाइफ में स्पिरिचुअली या फाइनेंशियली या किसी भी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो उसके पीछे वजह क्या है, इग्नोरेंस। मेरे को एक नई लाइट की तरह समझ में आया डेडिकेशन। अगर दुनिया में कोई भी आदमी कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसमें वो सुबह से लेकर शाम तक और हो सके तो पूरी की पूरी जिंदगी लाइफ को या गॉड को डेडिकेट करता है, अभी फिर से इमेजिन मत करिएगा डेडिकेशन कैसा होगा, कैसे हम डेडिकेट कर सकते हैं मैं डिस्कस करूंगा, बट अगर लाइफ डेडिकेटेड नहीं है किसी भी एंटिटी के लिए, और खाली सेंसेस नहीं, खाली सक्सेस नहीं, खाली फैमिली नहीं, खाली देश नहीं, यू हैव टू डेडिकेट टू डिवाइन फ्रैगमेंट टू बिकम फ्री ऑफ ऑल द मिजरीज। अभी ये कहानी पूरी नहीं हुई है, कल और पढ़ेंगे।